नमस्कार, जोहार, आदाब। संथाल परगना के क्लियर न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत है। खबर सबसे पहले दुमका से। किसानों के हित में कृषि बिल वापस ले केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि कानून बिल के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार को मशाल जुलूस निकाला। इसके बाद वीर कुंवर सिंह चौक पर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के हित में कृषि कानून वापस ले। कहा कि यह किसानों के लिए काला कानून है जिसके लिए किसान आंदोलन है। बादल ने कहा कि अगर 30 जनवरी के पहले इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो झारखंड से दूसरे हुल का बिगुल फूका जाएगा। दुमका भागलपुर पैसेंजर ट्रेन में एक अबोध बच्ची बरामद। आरपीएफ ने दुमका भागलपुर पैसेंजर ट्रेन से गुरुवार को एक अबोध बच्ची को बरामद किया है। इस ट्रेन में कांस्टेबल आरपी यादव और विपिन कुमार एस्कॉर्ट ड्यूटी की तैनात थे। बौसी स्टेशन पर उन्होंने ध्यान दिया कि एक बच्ची लगातार रो रही है और इसे कोई देखने वाला नहीं है। सह यात्रियों से पूछे जाने के बाद पता नहीं चला कि किसकी बच्ची है। ट्रेन से भागलपुर पहुंचने पर आरपीएफ जवान बच्ची को लेकर आरपीएफ पोस्ट आ गए। बच्ची के उम्र लगभग 7 माह है। आरपीएफ इंस्पेक्टर एके सिंह ने बताया कि बच्ची की चिकित्सा जांच कराने के बाद उचित देखरेख में रखने के लिए चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया है। चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग रेणु गुप्ता ने बच्ची को हैंड ओवर लिया है। नारंगी ही नहीं, कीनू भी बना विटामिन सी का बड़ा स्रोत। बिल्कुल नारंगी की तरह देखने और स्वाद में भी कमोबेश नारंगी जैसा ही लगने वाला कीनू दुमका में नारंगी का विकल्प बन गया है। खासकर कोविड-19 के संक्रमण से लड़ने के लिए विटामिन सी की जरूरत को देखते हुए लोग इस और ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि नारंगी की कीमत से काफी कम कीमत में कीनू बाजार में उपलब्ध है, इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार खासतौर पर इनका यूज करते हैं। खबर गोड्डा से। भाजपा ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं तो इस्तीफा दे सीएम। झारखंड प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म, हत्या आदि गंभीर अपराध की रोकथाम को गुरुवार को जिले भर में भाजपा की ओर से जगह जगह धरना दिया गया। गोड्डा सदर प्रखंड कार्यालय के निकट भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रिंकी देवी की अध्यक्षता में धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा की ओर से कहा गया कि अगर महिलाओं की सुरक्षा देने में सरकार नाकाम है तो सीएम को पद पर बने रहने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है। धरना के बाद भाजपा के शिष्टमंडल की ओर से सीओ और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर सगे भाई ने कर दी थी हत्या। भाभी के साथ अवैध संबंध का विरोध करने पर अपने ही भाई ने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में मृतक मोहन गिरी के भाई आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका खुलासा गुरुवार को एसडीओ आनंद सिंह ने अपनी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की। एसडीओ ने बताया कि 5 जनवरी को जिले के सुंदरपाड़ी थाना क्षेत्र में यह कांड हुआ था। बर्ड फ्लू की आशंका पर पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। जिला पशुपालन विभाग बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मामले को लेकर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर सोहेल खान ने पशु चिकित्सकों के साथ गुरुवार को बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया। इस बाबत जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर खान ने बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। मामले को लेकर विभाग के सभी चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। खबर देवघर से। देवघर सीओ अनिल सिंह से मांगा गया स्पष्टीकरण। लटकी सस्पेंस की तलवार। देवघर के सीओ अनिल कुमार सिंह पर अब निलंबन की तलवार लटक रही है। इसके खिलाफ राजस्व कार्य और कार्य प्रणाली में अनियमितता की लगातार मिल रही शिकायतों पर विभाग गंभीर हो गया है। यही नहीं, बिना सीओ इन दिनों अवकाश की स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय और मुख्यालय से गायब है। इसको लेकर झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। देवघर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज होने वाले ड्राई रन को ले स्वास्थ्य महकमा तैयार। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पूरे जिला में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज सदर अस्पताल, मधुपुर अनुमंडल अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है।
सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र, महिला वाय कक्ष सहित अन्य कमरों को ड्राई रन के लिए तैयार कर लिया गया है। इस दौरान सदर अस्पताल में कुल 25 लोगों को ड्राई रन के लिए मैसेज भेजे जाने की बात कही जा रही है, जिनका काल्पनिक वैक्सीनेशन किया जाएगा। ड्राई रन से यह पता लगाने का प्रयास होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर विभाग कितना तैयार है। मधुपुर भाजपा महिला मोर्चा ने हेमंत सरकार को घेरा और कहा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे हेमंत सरकार। झारखंड में महिला दुष्कर्म के बढ़ते आंकड़े और चार दिन पूर्व रांची के और मांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के घटना के विरोध में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा ने मधुपुर प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा ने नैतिकता के आधार पर तुरंत हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। खबर अब जामताड़ा से। जामताड़ा में तीन भाइयों से मिलकर चौथे भाई को मार डाला। मिहिजाम क्षेत्र के कानगोई विश्वकर्मा मंदिर के समीप मंगलवार दोपहर 39 वर्षीय प्रभात शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी हत्या का साक्ष्य छिपाने के आरोप में प्रभात के तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जामताड़ा से गिरिडीह होते हुए साइबर ठगों ने जमुई तक पसार रहे पांव। बैंक खाते खाली कर मालामाल होने का धंधा वैसे तो जामताड़ा से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस साइबर अपराध ने गिरिडीह में पांव पसारना शुरू कर दिया है। अब इन ठगों ने अपना दायरा बिहार तक बढ़ा लिया है। गिरिडीह से सटे बिहार के जमुई जिले में भी अपराध पांव पसार रहा है। कारण, गिरिडीह के अपराधियों ने यहाँ कर रहे अपने रिश्तेदारों को भी इस अपराध से जोड़ लिया है। अब यहाँ भी ठग खुद को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं, फिर एटीएम के कार्ड या खाता नंबर होने का झांसा देकर एक क्षण में लाखों उड़ा लेते हैं। हत्यारों को हो गिरफ्तारी, नहीं तो राजभवन का होगा घेराव। झारखंड में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले व हत्या के खिलाफ गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा ने सदर प्रखंड फतेहपुर व पुरोहित प्रखंड में गुरुवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिवसीय धरना के दौरान सरकार को चेतावनी दी गई, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा महिला मोर्चा राजभवन का घेराव करेगा। जामताड़ा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन के बाद भाजपाइयों ने बीडीओ जहीर आलम को मांग पत्र सौंपा। 15 जनवरी तक पूर्ण हो पंचायत भवनों का निर्माण। जिला पंचायती राज पदाधिकारी महेश कुमार ने अपने ऑफिस कक्ष में गुरुवार को बैठक की। इसमें ग्राम पंचायत विभाग अभियान, भारत नेट, जल जीवन मिशन 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रगति कार्य की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिया। अपूर्ण पंचायत भवन की समीक्षा क्रम में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हिरणपुर व पाकुड़ को 15 जनवरी तक अपूर्ण पंचायत भवन को पूर्ण कर जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा। कालाजार उन्मूलन को जन सहभागिता जरूरी। कालाजार उन्मूलन के लिए सभी को सहभागिता जरूरी है। कालाजार उन्मूलन हमारे लिए बड़ी चुनौती है। देश के 4 राज्यों में 11 जिले की कालाजार उन्मूलन के लिए शेष बचे हैं। लोगों को कालाजार व उसके उपचार के प्रति जागरूक करें, यह बातें सदर अस्पताल के सभागार में गुरुवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कही। राष्ट्रीय वेक्टर अनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय IRS व ACD प्रशिक्षण में लगातार राज्य नोडल पदाधिकारी सह WHO के राज्य समन्वयक डॉक्टर SN झा ने स्वीकृत की। खबर साहेबगंज से। बरही में बंद घर का ताला तोड़, लाखों की चोरी। बरही के न्यू कॉलोनी निवासी उपेंद्र शाह के घर रात चोरों ने बड़े ही आराम से ताला तोड़कर कई सामान चोरी कर फरार हो गए। उपेंद्र प्रसाद अपने घर का ताला बंद कर जमशेदपुर गए थे। इनके ही घर पर HDFC के प्रबंधक से ऊपर तला में रेंट में रहते थे, वे भी रात में नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने रात में घटना को अंजाम दिया। उसके साथ ही अपेम संरक्षक मुकेश धसिया ने घर में भी चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी सक्रियता के कारण वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हुए। सुबह घटना की जानकारी मिली। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।